हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनरे देतीमन। 38 गर्ल्स हॉस्टल्स स्कूल से वैकेंसी आई है लेडी मैट्रॉन्स और जूनियर मैट्रॉन्स की। यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट जूनियर मैट्रॉन के लिए अप्लाई कर पाएंगे और लेडी मैट्रॉन्स के लिए ग्रेजुएट पास स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। 21 सितंबर जो है लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं, कोई फीस या कोई एग्जाम नहीं होगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो जिनका भी नाम जो है मेरिट लिस्ट में आएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय पर जाना होगा। अभी जो है एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से देखें, अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो सके। कलेक्ट्रेट रायगढ़ से वैकेंसी आई है और ये ST SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत जो है वो 38 गर्ल्स हॉस्टल स्कूल जो है वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है लेडी मैट्रॉन और जूनियर मैट्रॉन की। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा फ्रॉम इंटेंडिंग मैरिड फीमेल कैंडिडेट। तो केवल जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो कि मैरिड हैं वही अप्लाई कर पाएंगी। ST SC SEBC ST SC सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी जो है इनकी अधिकतम उम्र जो है वो 35 साल रखी गई है। लास्ट डेट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की 21 सितंबर रहने वाली है। बाकी चीजें और भी हम देखते हैं। यहाँ पर 7 पेजों की PDF फाइल है जिसमें इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को सारी चीजें जाननी जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेडी मैट्रॉन के लिए केवल ग्रेजुएशन पास, 35 साल उम्र और 10,000 सैलरी मंथली इनकम। जूनियर लेडी मैट्रॉन के लिए 12th पास, 35 साल उम्र और 10,000 जो है यहाँ पर मंथली इनकम दी जाएगी। तो यहाँ स्कूल या हॉस्टल में ही आप लोगों को लगाया जाएगा। यहाँ पर केवल मैरिड फीमेल ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाल पाएंगी। उम्र यहाँ पर 35 ईयर रहने वाली है। सर्विस कंडीशन ये रहेगी, यहाँ पर आप लोगों को रहने खाने की सुविधा भी होगी सैलरी के साथ में। बाकी ये जो जॉब है ये प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक जो है आप लोगों की ये टेम्परेरी बेस पर रहने वाली है। उसके बाद जो है ये चाहेंगे तो आपकी जॉब को आगे भी बढ़ा सकते हैं। साथ में जो है बहुत सारी फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। रहने खाने की सुविधा तो मिलेगी ही, मेडिकल फैसिलिटी भी जो है यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। और सिलेक्शन जो है वो कैसे रहेगा, तो सिलेक्शन जो है केवल और केवल मार्क्स के बेस पर होगा। शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को और फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसे आप फिल कर लेंगे और आप लोगों को पोस्ट के द्वारा भेजना है। यहाँ पर सभी जो है स्कूल और हॉस्टल यहाँ दिए हुए हैं, नेम ऑफ ब्लॉक है। तो आप जिसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं तो उसी स्कूल या हॉस्टल का नाम जो है वो लिखेंगे एनवलप के ऊपर। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। और हर एक स्कूल या हॉस्टल में केवल एक एक जो है यहाँ पर मैट्रॉन्स की आवश्यकता है। ये आप देख सकते हैं कुल जो है वो 38 स्कूल या हॉस्टल है, कुल वैकेंसी जो है वो 40 निकाली गई है। यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेडी मैट्रॉन एंड जूनियर लेडी मैट्रॉन ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप। लिफाफे के ऊपर जो है आप लोग पोस्ट का नाम लिखेंगे। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 स्कूल या हॉस्टल। उसके बाद बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने आप लोगों को दिखा ही दी है, आप लोग खुद भी जो है इसको पढ़ेंगे उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे। तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।